हमारी हिंदी फिल्मों में सालों से देश प्रेम को पर्दे पर दिखाया गया है। कभी कोई एक्टर भगत सिंह बनकर स्क्रीन पर अपनी जान दे देता है, तो कभी कोई युद्ध में दुश्मन को मौत के घाट उतार देता है और तब तक लड़ता है जब तक जान रहती है। और बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में देखने मिल जाएंगी जो एंटरटेनमेंट के अलावा आपको देश के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है। आइए बताते हैं आपको ऐसी फिल्मों के बारे में। बॉर्डर। आर्मी पर बेस्ट फिल्मों की बात हो और बॉर्डर का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फिल्म आज भी देखकर आंखों में पानी आ जाता है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ सैनिक के किरदार में नजर आए थे। फिल्म बॉर्डर 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। फिल्म में अभिनेता सनी देओल ने अपनी आवाज से जान डाल दी थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों के जुबान पर होते हैं। रंग दे बसंती। 2006 में बनी फिल्म रंग दे बसंती युवाओं में भरे देश प्रेम की भावना को दर्शाती है। इस फिल्म में युवाओं ने एक भ्रष्ट नेता को मार दिया था। फिल्म में आमिर खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को देखकर आपको भी एहसास होगा कि देश को बदलना है तो हमें आगे बढ़ना होगा और अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। है प्रीत जहां की रीत सदा। 1970 में आई मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गाना बताता है कि दुनिया भर को हमारे देश ने क्या क्या दिया है। गाने को इंदिवर ने लिखा था। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने इसकी धुन रची थी और महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज दी थी। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। 2019 में आई विक्की कौशल की फिल्म देखकर आपको भी गर्व महसूस होगा। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने काफी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसमें यामी गौतम भी नजर आई थी। हाल ही में इस फिल्म के लिए विक्की कौशल को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। तिरंगा। इस फिल्म के डायलॉग आज भी सुनकर आप तालियां बजाने में मजबूर हो जाएंगे। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर इस फिल्म का टीवी पर प्रसारण जरूर होता है। इसमें देश प्रेम और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा बखूबी दिखाया गया है। गांधी। गांधी मोहनदास करमचंद गांधी की जिंदगी की कहानी पर आधारित है। फिल्म में महात्मा गांधी की जिंदगी का हर एक पहलू दिखाया गया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये फिल्म साल 2004 में आई थी जिसका निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, बॉबी देओल स्टारर फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म फ्लॉप हुई थी और इस फिल्म ने महज 11.6 करोड़ की कमाई की थी। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में अजय देवगन भगत सिंह का किरदार निभाते नजर आए। ये फिल्म भगत सिंह की जिंदगी पर आधारित थी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। मदर इंडिया। 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया आजादी के बाद के भारत को दर्शाती है। फिल्म में नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार मुख्य भूमिका में थे। मंगल पांडे द राइजिंग। फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग क्रांतिकारी मंगल पांडे की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में मंगल पांडे का किरदार आमिर खान ने निभाया था। लक्ष्य। ऋतिक रोशन ने भी फिल्मों में देश प्रेम दिखाया है लेकिन वो फ्लॉप साबित हुई। उनकी इस फिल्म ने 24 करोड़ की कमाई की थी। उमरता। इस साल रिलीज हुई फिल्म उमरता सिर्फ 3 करोड़ की कमाई कर पाई। ये फिल्म एक असली कहानी और किरदार पर आधारित है। बॉलीवुड की इन कहानियों ने लोगों के सामने कई तरीके से आजादी की कहानियां पेश की और बताने की कोशिश की कि कैसे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और आजादी की लड़ाई में कई लोगों ने अपनी जान दे दी। हमारी व्हाट्सएप बॉलीवुड की टीम भी उन शहीदों को सलामी देती है जिन शहीदों की वजह से हमारा देश आजाद हुआ और दुआ करते हैं कि आगे भी बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनती रहे जो हमेशा से याद करवाती रहे हमें अपने देश के प्रति फर्ज। ऐसी अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।